मेरा नाम अशोक जयराम साउंत है। मैं मुंबई का डब्बा वाला। मेरा जो मुंबई का जो व्यवसाय है, जो टिफिन का सर्विस है, वो मेरा ये सेकंड पीढ़ी चल रहा है। जो मेरे पिताजी कर रहे थे, अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये मैं कम से कम मैं ये 15 साल हो गए मैं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी पहले करते थे। पिताजी जो मेरे को बचपन से सिखा रहे हैं कि कैसा डब्बा देने का, तो अभी वो मेरे को सब मालूम पड़ा है। डब्बे वाला 1890 में चालू हुआ है, 1889 में। वो टाइम पे खाली 30 बंदे काम करते थे। 1800 जब वो टाइम पे इंग्रेज थे, वो टाइम पे वो पारसी के इधर चर्ची गेट में ज़्यादा करके पारसी लोग थे। तभी से एक माधव आवजी बच्चे करके उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते 5,000 लोग हो गए, 2 लाख डब्बा था। एवढे आज महाराष्ट्र किंवा मुंबई असं हे शहर आहे का, सर्वे जगभर या डब्यावाल्यांचं नाव आहे का, तर ही संस्था अशी आहे का कुठे आहे? आज सर्व मुंबईमधून डबे एकत्र होतात, 2 लाख डबे एकत्र होऊन परत 2 लाख डबे डिवाईड होतात, परत कस्टंबरच्या घरून डबा घेतला, तो डबा परत संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत त्या कस्टंबरच्या घरी गेला पाहिजे। एक डबे के पीछे हम लोग को जो जैसा कस्टमर कम से कम तो 1,000 रुपये मिलता है एक डबे के पीछे। तो मेरे को महीने में सैलरी मिलता था 16-17 हज़ार मिलता था, तो उसमें हम लोग का घर एकदम अच्छा चल रहा था। आता गेले मागचा लॉकडाऊन मार्च एंडिंगला झाला आणि आता कमी कमी 16 महिने झाले। आमचे एवढे 4,500 डब्यावाले हे पार उद्ध्वस्त झाले तरी म्हणणे काही अवघं नाही। अभी हम लोगों ने एक किचन करके चालू किया है। जो होटल है ना, जैसा अभी स्विगी जोमेटो वाला डायरेक्टली कैसा ऑर्डर करते हो, वैसा हम लोगों ने अभी होटल में चालू किया है। अभी बांद्रा में वर्ली में वो अच्छा तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है हम लोगों को। वो डब्बा वाला उधर जाके उधर से खाना लेके कस्टमर को दे देते हैं। ऐप करने वाले लेकिन अभी तक नहीं किया, इवे 8-10 दिन में ऐप हो जाएगा। अभी तो 2 साल से मैं घर पे हूँ, जो भी कोई काम ले छोटा मोटा काम होएगा वही करते हैं। मतलब अभी जो डब्बे का सर्विस ही बंद है तो क्या करेगा अभी? और काम जॉब तो कोई करता जॉब है ही नहीं कोई, और जो दूसरा जॉब कभी जिंदगी में किया ही नहीं, अरे जो किया वो डब्बे का ही किया। हीच आमची सेवा आहे। आत्तापर्यंत कुठल्या डब्यावाल्या को कुठल्या गोष्टीनं गुन्हा किंवा काही कंप्लेंटी आत्तापर्यंत कुठल्या कस्टमरची आली नाही, त्याच्यामुळं आम्ही सर्व डब्यावाल्यांच्या वतीनं आणि सर्व कामगारांच्या वतीनं अभी ये 25 बरस हो गया काम कर रहा हूँ, अभी ये 1.5 बरस हो गया तो कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। अभी ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं। सर्वांना या कोरोना लवकर लवकर खत्म हो ही सर्व पांडुरंग परमेश्वर चरणार्थना करतो आणि इथंच थांबतो। जय जय महाराष्ट्र। क्या लेना आशिकी से क्या लेना है, मौत से क्या लेना, जिंदगी से क्या लेना है, तेरी मेरी यारी पे हंसेगी दुनिया सारी, हो यारा तेरी यारी पे कुर्बान। हेलो ब्रदर ब्रदर। हेलो ब्रदर। जब मैं पहला पढ़ता था स्कूल तो मैं जैसा सिंगर बनने का मेरे अंदर बहुत ख्वाहिश था, लेकिन अभी सिंगर लाइन में चांस मिला नहीं तो करके मेरे को ये सब करना पड़ा। नहीं ट्राई स्कूल में जैसे पढ़ते थे तो स्कूल में प्रार्थना वगैरह करते थे। पहला मैं एक दो जगह डायरेक्टर के ऑफिस में भी गया, तो उस टाइम मेरी उम्र कम थी, मतलब 18-20 ईयर्स का था मैं, तो उस टाइम वो लोग ने बोला अभी आप इस कोई भी रोल के लिए परफेक्ट नहीं। मैं तो कोई सपना लेकर नहीं आया, मेरे दादा 1930 में यहाँ आए, 1930 में। तब मेरे पिताजी भी यहीं पैदा हुए मुंबई में,
मैं भी पैदा हुआ, आज मेरी एज 63 रनिंग है। ये सपना है कि तो यहाँ मेरे से कोई संबंध नहीं, मेरे दादा और पिताजी ने देखा था वो सपना, आज तक चला। आमदनी में जैसे पहले हम काम करते थे तो महीने का 15,000 का काम करने में आदमी को मेहनत लगता, तो आदमी ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। अब मशीनरी में है तो खाली लाके अपने को मशीन में डालना है, केमिकल डालना है, वो अंदर कुछ धुलाई होती है, ना पटकना पड़ता है, ना हाथों से ब्रश मारना पड़ता है। तो ये अब पहले हम दिन में 100-200 कपड़ा धोने में पूरा दिन निकल जाता था, और अब तो ऐसा है कि 500 कपड़ा भी धोना मतलब 2 घंटे का काम है। जी हाँ, औरतों के लायक काम नहीं है ना सर, ये तो अभी मशीनें आ गई है, वरना पहले जब इस टाकी पे हम लोग पीटते थे तब अगर आप आए होते तब देखते तो औरतों को निकाम पे लगाए कभी भी। अभी इसकी भी मेरी बच्ची, जैसे इसकी भी मेरी बच्ची, तो वो कभी यहाँ आके काम नहीं करे, वो घर है, घर ही समाज है। हाँ हम लोग है करते रहे। गांव में था एक सपना था कि बम्बे जाएंगे, बम्बे जाएंगे, क्योंकि बम्बे से लोग जाते थे तो देखते थे, कह रहे कि आप कहाँ से आते, तो बम्बे से आते, तो एक दिलचस्पी होती थी कि चलो हम भी बम्बे जाके देखेंगे। ये तो जगह अपने बाप ने ले के रखे थे, तो उसी जगह पे हम लोग मशीन बिशीन डाले, पैसा भी उल्टा सीधा करके, तो लोन भी ले के हम लोग कहीं किए थे, तो लोन मतलब चुका दिए। अभी काम के वास्ते बैठे रहते, मतलब कंपनी चालू होगी तो फिर काम मिलेगा हम लोग को। देखिए धोबी घाट की खासियत तो एक ही है कि कैसे से कैसा कपड़ा रहे या जो भी चीज़ रहे, वो इस धोबी घाट में जितना अच्छे से उसको साफ कर दिया जाएगा, धो दिया जाएगा, वो आपको ना ओजराय लॉन्ड्री में मिल जाएंगे मिलेगा, ना ताज लॉन्ड्री में, ना कहीं नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम करके दे देंगे वो कहीं मिलने वाला। नहीं, कोरोना आने के बाद जैसे काम बंद हुआ तो रोजी रोटी नहीं रहेगी तो खाने का तो तकलीफ हुआ ही, लेकिन अभी जो आदमी पहले से सेव करके पैसा रखे थे उसी को हम लोगों ने खाया। नहीं, ख़त्म होते भी रहे, जैसे किसी कस्टमर के पास बाकी था तो कस्टमरों से मांगा गया तो वो लोग ने दिया, बुरे वक्त में वो लोग ने पैसा दिया। मेरा नाम राजू है, काम करने का आया, इतना 15 साल से काम कर रहे, इधर गाँव में कुछ नहीं है, इधर आया काम करेगा तो 2 पैसा मिल जाए, उधर गाँव में रह सके। अभी बरसात में इधर ही रुक गया, अभी तो 1.5 साल हो गया अभी इधर ही है, अभी उधर कोरोना वजह से मैं नहीं गया था, अभी बीवी बच्चे लोग को भी इधर ही लाया। काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं, गांव में कुछ नहीं काम करता है, कुछ नहीं, खेती भी थी कुछ नहीं, माँ बाप ऐसे बैठ के रहता है, कुछ नहीं काम करता है, खाली हम लोग काम करेगा जो पैसे इधर से बेचेगा खाएगा, बस उतना ही है। इधर का काम करेगा पैसे मिलेगा, सुबह जाता है हम लोग को 7 बजे, 4 बजे तक आता है, 4 बजे से कपड़ा निकलते हैं, अलग अलग करके धो लेगा, वाइट वाला अलग, रंगीन वाला अलग, वैसे अलग करके धोएगा, फिर सुबह फिर 4 बजे उठेगा, 4 बजे उठ के फिर वाइट वाला धोएगा, धो के फिर सुखाएगा, इस्त्री भी हो जाता है, घड़ी भी करता है, फिर वापस फिर देने जाएगा हाथ गाड़ी लेके। लाइट बिल सब यही रूम है, सब में हम लोग को लाइट बिल सब मिला के कितना 10-15 हज़ार रुपये बच जाते हैं बस। अब रही बात, ये जो लॉकडाउन गए साल का था, उसने तो ये हालत कर दिया है, वहाँ तक तो ठीक था, कैसे ठीक था कि जो बैलेंस था हमारे पास मतलब पैसा पानी, तो उसको खा लिए पी लिए, लेकिन जो सेकेंड लॉकडाउन हो गया, अब इसमें पैसा कहाँ से लाया जाए, क्योंकि धंधा पानी तो है ही नहीं, ये पैसा का आज अगर कोई किसी से कर्ज भी लेने जाओ तो कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे अच्छे बेचारे जो धार्मिक आदमी है, जो धर्मादय में काम किए, उन्होंने लास्ट ईयर ही सब बांट दिया, अनाज बांटा, खाना बांटा, लेकिन इस वक्त उनकी भी तो पोजीशन टाइट है ना, वो कहाँ से बांटेंगे। खा पी के भी तो लाइट बिल तो 5-6 हज़ार रुपये लाइट बिल आता है, स्त्री वाला का ना, पत्थर का, सब कुछ ये सब भाड़ा देना पड़ता है। काम धंधा में अभी भी कोरोना हो गया तो अभी काम कुछ नहीं है, खाली खाने का अंधे वही बस हो रहा है।